ओम शांति। दूरादेशी बाप दादा आज अपने देश विदेश के बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और हम बच्चों को शिक्षा दी कि बीच बीच में समय निकालकर मन की एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से मन हल्का होता है, हम बोझ से मुक्त होते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 जून 2024 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मुरली की रिवाइज डेट है 30 मार्च 2000। दूरादेशी बाप किससे मिलने आए हैं? अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से। बाप दादा क्या देख रहे थे? सभी बच्चों के 5 स्वरूप। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। चलते चलते 5 मिनट मन की एक्सरसाइज करने से क्या होगा? मन सदा ही दुरुस्त रहेगा। बोझ वाले यह एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल लाइट हो जाएंगे। 3 प्रकार की लकीरें कौन सी हैं? पानी पर लकीर, कागज पर लकीर, पत्थर पर लकीर। बाप दादा को बच्चों पर रहम क्यों आता है? क्योंकि बार बार बच्चे परवश हो जाते हैं। बाप दादा बच्चों को सदा किस रूप में देखना चाहते हैं? संपन्न स्वरूप में। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप क्या बनता है? अपने और दूसरों के संस्कार। किन 2 बातों पर अटेंशन रखना है? सच्ची दिल बुद्धि की लाइन क्लियर। बाप दादा क्या देना चाहते हैं जो लाइन क्लियर न होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते? शक्ति, दुआएं, एक्स्ट्रा मदद। संगम युग में आत्माओं को किस किस का सहयोग मिलता है? ब्राह्मणों का, बड़ों का, बाप दादा का। बाप दादा ने किन 2 बातों की कमी देखी? सच्चे दिल, साफ दिल, बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन। इजी नेचर होने से क्या होता है? सर्व का स्नेही, सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता। इजी नेचर किसे कहा जाता है? जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से क्या होता है? कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा, आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज बाप दादा ने हम बच्चों को कौन सी शिक्षा समझानी दी? अपने को इजी और मिलनसार बनाओ, चलते चलते मन की एक्सरसाइज करते रहो। ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। लाइन क्लीन क्लियर ना होने कारण प्राप्ति नहीं होती। गलती को एक बार अनुभव कर अच्छी तरह से रियलाइज कर दोबारा नहीं करना। सिर्फ दिमाग से नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से। बाप दादा के आगे गलती महसूस करने से दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म हो जाएगा। थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग हल्के होने का युग है, जिसमें अपने मन और बुद्धि की लाइन को बिल्कुल क्लीन और क्लियर करना है। इसके लिए बाप दादा से सच्ची और साफ दिल रख। स्पष्ट रूप से जो भी अंदर है उसे बता देना है, ताकि मन सदा के लिए हल्का हो जाए और बुद्धि सदा बाप से लगी रहे। अपने नेचर को भी हमें इजी बनाना है और मिलनसार होकर रहना है। ओम शांति।